नहीं, ये मेन रोड पे चल रहा था, ये खड्डे की वजह से चौक मार के पलटी हो गई गाड़ी। कोई गाड़ी कूटी ने साइड मारा है कुछ, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब ये इधर सामने इस तरफ तो गाड़ी खड़ी थी, इसलिए इधर से ऊपर चढ़ाना था। हाँ। गाड़ी खड़ी थी तो इधर गाड़ी खड़ा हुआ था। हाँ, इधर आगे ले नहीं जा सकता, इधर बराबर में गाड़ी खड़ी थी वो। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? यहाँ से अपने मुंद्रा जा रहा था, गुजरात। गुजरात कहाँ से जा रहे थे? यही से लोड किया था, निसिंग से। निसिंग से अकेले थे आप गाड़ी में? हाँ जी। चोट वगैरह तो नहीं लगी? तमाम तस्वीरें करनाल के नेशनल हाईवे से दिखा रहे हैं, हादसा किस प्रकार से एक बड़ा राह देख सकते हैं। काफ़ी नुकसान जो है वो कंटेनर का जरूर हुआ है, ट्राले का जरूर हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शीशा भी यहां पर पूरा चकनाचूर हो चुका है। हालांकि राजस्थान का ड्राइवर रहने वाला बता रहा है, जा रहा है, और वो अकेला ही जो है निसंग से लोड कर गुजरात चावल लेकर जा रहा था। निसंग से ये चावल लोड हुआ था, और आपको बता दें गुजरात ये चावल लेके जा रहा था। जिस प्रकार से आपको हमने कंटेनर की तस्वीरें दिखाई, किस प्रकार से कंटेनर पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। ड्राइवर का कहना है ये खाली कराकर जो कंटेनर है वो अब ठीक करवाएगा, फिर यहाँ से आगे की ओर जाएगा। भारी जो है देख सकते हैं सामान, काफ़ी इसके अंदर काफ़ी बड़ा जो कंटेनर है, काफ़ी मात्रा के अंदर चावल इसके अंदर लोड था। देख सकते हैं सिर्फ इस कच्चे रास्ते के ऊपर चढ़ाने से एक ये बड़ा हादसा हुआ है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के नेशनल हाईवे से। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं एक बड़ा विशाल कंटेनर था जो चावल से लोड था, निसिंग से गुजरात की ओर जा रहा था। अचानक से जो है हाईवे के ऊपर जो है कच्चे रास्ते से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, और रास्ते के बीचों बीच जो है वो पलट जाता है। तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं क्या क्या कुछ ये हादसा रहा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को देखने वाला, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल से, आप देख सकते हैं करनाल के नेशनल हाईवे के ऊपर के ये तस्वीरें दिखा रही हैं, और जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से ये हादसा हुआ। एक बड़ा जो कंटेनर था वो यहाँ से लोड होकर गुजरात जा रहा था, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और यहाँ से फिलहाल जो खाली अब ये इस कंटेनर को कराया जा रहा है। विशाल कंटेनर था जो निसिंग से लोड हुआ था और गुजरात की ओर जा रहा था। आपकी गाड़ी है जी? नहीं, हमारे कंपनी की। कैसा हुआ, कैसे हुआ था ये? वो ड्राइवर उधर ही है जी। आपको क्या पता लगा कैसे हुआ? ये करीब 7-8 बजे पलटी हुई थी कल। हाँ जी, रात को जी। तो कैसे कहाँ जा रहा था ट्रक? ये कांडला जा रहा है, गुजरात। गुजरात जा रहा था। कहाँ से लोड हुआ था? निसिंग से। कौन है यहाँ पर ड्राइवर, कौन है एक बार बुलाना है। देख सकते हैं ड्राइवर भी यहाँ पर मौजूद है, उससे भी जान लेते हैं कैसे ये हादसा हुआ। फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं अभी जो खाली कंटेनर है वो करवाया जा रहा है दूसरी कंटेनर के अंदर, और ड्राइवर से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। एक बड़ा कंटेनर है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अभी कुछ से खाली जो है यहाँ पर करती हुई लेबर नजर आ रही है। ड्राइवर कौन से? आइए भाई, ड्राइवर है यहाँ पर, उससे जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेगा। हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहना। और नेशनल हाईवे के ऊपर बीचों बीच झिलमिल ढाबे के फ्लाईओवर के नीचे ये हादसा हुआ है। ड्राइवर से जान लेते हैं कैसे ये हादसा हुआ। भाई कैसे हुआ था ये हादसा? इधर आइए एक मिनट, बताइए जरा थोड़ा सा कैसे हुआ ये? मेन रोड पे। इधर आ जाओ। ड्राइवर से जान लेते हैं कैसे ये हादसा हुआ, क्या हुआ था भैया, कैसे हो गया एकदम ये हादसा? नहीं, ये मेन रोड पे चल रहा था, ये खड्डे की वजह से चौक मार के पलटी हो गई गाड़ी। कोई गाड़ी कूटी ने साइड मारा है कुछ, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब ये इधर सामने इस तरफ तो गाड़ी खड़ी थी, इसलिए इधर से ऊपर चढ़ाना था। हाँ। गाड़ी खड़ी थी तो इधर गाड़ी खड़ा हुआ था। हाँ, इधर आगे ले नहीं जा सकता, इधर बराबर में गाड़ी खड़ी थी वो। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? यहाँ से अपने मुंद्रा जा रहा था, गुजरात। गुजरात कहाँ से जा रहे थे? यही से लोड किया था, निसिंग से। निसिंग से अकेले थे आप गाड़ी में? हाँ जी। चोट वगैरह तो नहीं लगी? चोट। पुलिस आ गई थी मौके पर? हाँ, पुलिस आ गई थी। तो आप गाड़ी खाली करवा रहे हो? हाँ, खाली करा के वापिस सही करवाएंगे गाड़ी। आप कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान का। राजस्थान के। हाँ। आप देख सकते हैं काफ़ी नुकसान यहाँ पर कंटेनर का जरूर हुआ है, तस्वीरों में देख सकते हैं, और तमाम लेबर अब जो चावल है वो दूसरी गाड़ी में लोड करती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल आपको बता दें जो सर्विस लेन है वो अभी पूरी तरह से बंद है, और यहाँ पर जो आधा रास्ता आगे बताया जा रहा है एक ट्रक खड़ा था, बड़ा गाड़ी खड़ी थी बड़ी, जिसके कारण ये जो ट्रक है ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, और लोड जिसमें अंदर इसके अंदर कंटेनर में ज़्यादा होगा, जिस कारण ये ट्रक जो है वो पलटे खाकर नेशनल हाईवे के बीचों बीच गिर जाता है। देख सकते हैं ड्राइवर जो राजस्थान का रहने वाला है, अकेला इस गाड़ी के अंदर सवार था, फिलहाल सुरक्षित बताया जा रहा है, तस्वीरों में देख सकते हैं, और
अभी फिलहाल गाड़ी को खाली करवाते हुए दूसरी गाड़ी के अंदर नज़र आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहना। करनाल्स के नेशनल हाईवे के ऊपर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से ड्राइवर ने बताया, इस सर्विस लेन के ऊपर एक गाड़ी खड़ी थी जिसके चलते हुए गाड़ी ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आप देख सकते हैं सर्विस लाइन जो पूरी तरह से है वो अब बंद है, गाड़ी निकलने की जगह है। फिलहाल आप देख सकते हैं कंटेनर किस प्रकार से जो है वो फूल चुका है।